नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना सातकर्ण आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार के बीच केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली का बजट बंद न करें। सब गिरफ्तार हो गए सीबीआई अमृतपाल के, 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे, हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को फटकार। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने भारतवंशी पत्रकार के साथ की मारपीट, तमाशा देखती रही पुलिस। नागपुर, नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज। महंगे गिफ्ट के फेर में इमरान खान की पत्नी बुशारा भी फंसी, एनएबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पटना से पहले शाहरुख खान की इन फिल्मों के सीन हुए डिलीट, बदल सकते थे कहानी। मोदी योगी के दिए गिफ्ट गटक गए ट्रंप, इमरान खान की तरह तोशा खाना घोटाले में फंसे। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से काबू में, केजरीवाल। पंजाब में पहले गैंगस्टर को मिलता था संरक्षण, केजरीवाल। पंजाब, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज। केरल विधानसभा में बिना चर्चा बिल पास, विपक्ष का हंगामा, अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित। छत्तीसगढ़, बीजापुर में जवानों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। अमृतपाल के चाचा हजरत सिंह को लेकर पंजाब पुलिस की टीम डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पहुंची। अहमदाबाद, नेपाली युवक को लोगों ने चोर समझकर पीट पीट कर मार डाला। दिल्ली में छात्रों के दो गुटों में मारपीट और चाकूबाजी, पुलिस ने 6 स्टूडेंट्स को पकड़ा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज अदालत करेगी सुनवाई। यूक्रेन को $350 मिलियन के हथियार और भेजेगा अमेरिका। अमेरिका के टेक्सास में हाई स्कूल में फायरिंग, गोली लगने से एक छात्र की मौत। IMF ने श्रीलंका के लिए $2.9 अरब के लोन को मंजूरी दी। लंदन में भारतीय उच्च आयोग और सैन फ्रांसिस्को में दूतावास पर हुए हमले की अमेरिका ने की निंदा। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।